बहराइच में डीएम ने मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित की गई। रविन्द्रनाथ मेमोरियल मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि जीत का और हार के पीछे छोड़ते हुए अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैदान में उतरे। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र ने पिच पर जाकर क्रिकेट बॉल को हिट कर विधिवत रूप से प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया और पिच के दोनों तरफ लाइनअप हुए खिलाड़ियों एम्पायरों से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में केडीसी पीजी कॉलेज के प्रांगण में जो सदैव विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, आज रविंद्रनाथ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया जा रहा है मंडलीय। और ये भी एक विशेषता है कि ये मंडलीय आयोजन है। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ मुझे आकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त हुआ और मैं आप लोगों को केवल इतना बताना चाहूँगा कि खेल को खेल की भावना से खेलिए। विषय हार जीत का नहीं होता है, विषय होता है कि हम किस भाव से खेल रहे हैं। और हार जीत हमेशा जीवन में एक पहलू है जीवन का, इसलिए हार से बहुत ज़्यादा निराश नहीं होइए और खुशी से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हुई है। और विशेष रूप से क्रिकेट के खेल में तो इस प्रकार की परंपराएं हैं कि आज बहुत खुश हो गए, अगले दिन बिल्कुल धड़ाम गिर गए, लेकिन उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपनी स्टेमिना बनाए रखिए। मुझे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के दौरान यह एहसास हुआ कि ये दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शरीर का जो स्वास्थ्य है इनका वो बहुत अच्छा है। और जिसका शरीर अच्छा होगा वो अच्छा खेलेगा भी, अच्छा काम भी करेगा और राष्ट्रहित के प्रति भी समर्पित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।